नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और मैं हूं अमित। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। फतेहपुर शेखावटी में कोरोना संक्रमण कम करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री सुभाष महरिया और पूर्व विधायक नंदकिशोर महरिया के आर्थिक सहयोग से सुधीर महरिया स्मृति संस्थान और नेहरू युवा संस्थान की ओर से कोरोना पीड़ितों के साथ संदिग्ध मरीजों को निःशुल्क मेडिसिन किट दिए जा रहे हैं। सुधीर महरिया स्मृति संस्थान के निदेशक बीएल मिल ने बताया कि जरूरतमंद परिवारों को चिकित्सक के परामर्श पर निःशुल्क मेडिसिन किट दिए गए, साथ ही कोरोना से बचाव के उपाय और सावधानियां पंपलेट के जरिए लोगों को बताई जा रही हैं। सिरोही में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए भामाशाह मदद के लिए आगे आ रहे हैं। इसी के तहत पिंडवाड़ा में वोल्केम इंडिया लिमिटेड की ओर से स्वरूपगंज सीएससी के लिए मदद की गई। दरअसल कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए ऑक्सीजन प्लांट लगवाया है। यह प्लांट सीएससी परिसर में लगवाया गया है और पूरी तरीके से तैयार है। आपको बता दें कि ऑक्सीजन प्लांट के शुरू होने के बाद रोजाना करीब 25 से 30 मरीजों को ऑक्सीजन की सुविधा मिल पाएगी। कोरोना महामारी के दौर में कोविड वार्डों में पॉजिटिव मरीजों का इलाज प्रदेश भर में हो रहा है, लेकिन हम आपको एक ऐसे कोविड वार्ड की पॉजिटिव खबर से रूबरू करवाते हैं जहां कोविड मरीजों को घर जैसा माहौल में डॉक्टरों की ओर से इलाज किया जा रहा है। हम बात कर रहे हैं भीलवाड़ा के शाहपुरा में स्थित सैटेलाइट अस्पताल के कोविड केयर सेंटर की। कोविड केयर सेंटर में दी जा रही सुविधाओं से न केवल मरीज ठीक होकर घर लौट रहे हैं बल्कि डॉक्टरों के कार्यों की भी सराहना की जा रही है। 20 बेड क्षमता के सेंटर में वर्तमान में 7 रोगी ही भर्ती हैं। यहां से 80 रोगी ठीक होकर घर अब तक सुरक्षित पहुंच चुके हैं। शाहपुरा के बीसीएमओ डॉक्टर सुनील कुमार, सैटेलाइट चिकित्सालय के पीएमओ डॉक्टर अशोक जैन और डॉक्टर रवि वर्मा की अगुवाई में रोगियों के इलाज, संक्रमण रोकने, सेंटर में पारिवारिक माहौल बनाने और रोगियों को स्ट्रेस फ्री करने के सभी संभव प्रयास किए गए। यहाँ मरीजों को सकारात्मक और पारिवारिक माहौल में नियमित प्रोनिंग, एक्सरसाइज, योगा और म्यूजिक थेरेपी दी जा रही है। शाहपुरा में सैटेलाइट हॉस्पिटल में हमने कोविड केयर सेंटर बनाया है। इसमें मरीजों के इलाज के अलावा हम बहुत सी जो मरीजों के, ताकि उनका रिकवरी जल्दी हो जाए, उनको कुछ सुविधाएं प्रदान करने की हमने कोशिश की है। सबसे पहले तो एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश की हमने कोविड केयर सेंटर में, जो कि वेंटिलेटेड हो, साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा गया है। साथ ही डॉक्टर्स ये सुनिश्चित करते हैं कि दिन में कम से कम 3 बार मरीजों को प्रोनिंग करवाई जाए ताकि उनका वेंटिलेशन थोड़ी इम्प्रूव हो लंग्स की, और साथ ही उन्हें रिकवरी में थोड़ी मदद मिले। ये कोविड केयर शाहपुरा में अभी तक टोटल 132 मरीज एडमिट हो चुके हैं, जिसमें से 80 को ठीक करके सही तरीके से घर भेजा जा चुका है। अभी फ़िलहाल जो है उनको दिन में 4 बार प्रोनिंग पोजीशन करवाई जा रही है, एक एक घंटे तक। साथ में उनको योगा करवाया जा रहा है मॉर्निंग में, और म्यूजिक थेरेपी, और उनके लिए टीवी भी लगाया है ताकि यहाँ जो रहने वाले पेशेंट हैं वो मतलब डिप्रेशन में ना जाएं और माहौल जो है वो सकारात्मक बना रहे। इसके लिए हमारा स्टाफ और यहाँ के सब कर्मचारी जो भी हैं वो अपनी पूरा प्रयास लगा चुके हैं इसमें कि मरीज़ यहाँ खुश रहे ताकि रिकवरी जल्दी हो। कोविड वार्ड हमारा यहाँ बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और मरीज़ को यहाँ बिल्कुल घर जैसी स्थिति फील होती है, क्योंकि कोरोना एक ऐसा है जिसमें मानसिक तौर से मरीज़ ज़्यादा परेशान होता है। तो हमने कोशिश ये की है कि मरीज़ को बिल्कुल भी मानसिक परेशानी का सामना नहीं करना पड़े, वो अपने लेवल पे अच्छी तरह से एंजॉय करें। और सुबह पहले उनको योगा सिखाया जाता है, योग व्यायाम वगैरह पूरा नियमित रूप से करें। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान के पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की प्रेरणा और सहयोग से झालावाड़ के खानपुर कस्बे में भाजपा समर्थकों ने वसुंधरा जन रसोई अभियान की शुरुआत की, और विधायक नरेंद्र नागर ने भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ भोजन के पैकेट वितरित किए। झालावाड़ के डग में कोरोना गाइडलाइन के मद्देनजर पिछले कई दिनों से बंद पड़ी दुकानों के
व्यापारियों का दर्द आखिर छलक उठा। इसी बीच व्यापार महासंघ के तत्वावधान में तहसील कार्यालय पर एकत्रित हुए व्यापारियों ने नायब तहसीलदार शिवनारायण रावत को जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और अपनी पीड़ा बताई। इस दौरान सभी व्यापारियों ने 1 जून से दुकानें खोलने की अनुमति के लिए गुहार लगाई। अजमेर जिले के सावर कस्बे में मार्बल उत्पादन को लेकर राजस्थान में ही नहीं अपितु विदेशों में भी अपनी अलग ही पहचान बना रखी है। लेकिन अभी राजस्थान सरकार द्वारा तो औद्योगिक इकाइयों को चालू रखने की छूट दे रखी है, इसके बावजूद मार्बल व्यवसाय ठप्प पड़ा है और कोरोना संक्रमण के भय से मजदूर लोग भी अपने घरों की ओर चले गए हैं। ऐसे में सावर का मार्बल उद्योग आर्थिक नुकसान उठा रहा है। सावर क्षेत्र की अधिकतर मार्बल खदानें करीब करीब बंद पड़ी हैं। ऐसे में मार्बल व्यापारियों को अब सरकार से आस बची है। कोरोना महामारी के चलते सावर में मार्बल व्यवसाय बिल्कुल ठप पड़ा है और मजदूरों को और कर्मचारियों को आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही है और इससे हमारे मार्बल व्यवसायों के जो किस्तें हैं मशीनरी की इनकी वो भी नहीं चुक पा रही है और उस सरकार से ये दरख्वास्त है कि उनकी किस्तें ब्याज दर कम की जाए और जो मार्बल पे वेट लगता है वो वेट भी कम किया जाए। मार्बल संबंधित जो मंडियाँ हैं वो भी बंद पड़ी हैं, सरकार से दरख्वास्त है कि इनको जल्दी से जल्दी चालू करावें और विद्युत का बिल भी इस महीने का 1 महीने का तो कम से कम माफ़ करें ताकि और वेट भी कम करें ताकि मतलब व्यवसायियों को कुछ राहत मिले। खबरों की पिपलू से जहां पर उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने रानोली और कठमाड़ा क्षेत्र का दौरा कर हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उपखंड अधिकारी रवि वर्मा ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, साथ ही मरीजों का रिकॉर्ड ठीक से संधारित करने को लेकर डॉक्टरों को फटकार भी लगाई। इसके अलावा उपखंड अधिकारी ने कठमाड़ा चेकपोस्ट का निरीक्षण कर मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक निर्देश भी दिए। वहीं ग्राम पंचायत स्तरीय कोर कमेटी की बैठक में कोरोना सर्वे रिपोर्ट की समीक्षा भी की गई। बाड़मेर के चोटर में त्रिस्तरीय जन अनुशासन पखवाड़े की पालना के लिए प्रशासन ने सख्त रुख अपनाना शुरू कर दिया है। इसी के तहत एसडीएम भागीरथ राम के नेतृत्व में प्रशासनिक टीम ने नियमों का उल्लंघन करने पर चोटन बाजार में 12 दुकानों को सीज किया, साथ ही 4,000 रुपये का जुर्माना भी वसूला। वह प्रशासन की इस कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इस दौरान नायब तहसीलदार गणेशाराम, बीडीओ छोटू सिंह, पुलिस थाना अधिकारी भुट्टाराम बिश्नोई समेत कई अधिकारी मौजूद रहे। प्रदेश में कोरोना महामारी का कहर जारी है, ऐसे में भामाशाहों की तरफ से मदद जारी है। इसी के तहत सुमेरपुर के सांडेराव गांव में भामाशाह उलासीबाई मूलचंद मेहता परिवार के पवन मगनलाल मेहता की ओर से 2 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीन सीएससी के लिए भेंट की गई। थानाधिकारी हमीर सिंह भाटी ने कहा कि भामाशाह परिवार की ओर से की गई मदद से पीड़ित परिवारों को काफ़ी राहत मिलेगी। तो वहीं चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर मोहनलाल चौधरी ने कहा कि इस एक मशीन से 10 लीटर ऑक्सीजन प्रति मिनट मिलेगी जिससे मरीजों को राहत मिलेगी। इस दौरान डॉक्टर गोविंद सिंह, जगत सिंह, महावीर मेवाड़ा, चांद मोहम्मद, छोगाराम समेत अनेक लोग मौजूद रहे। धौलपुर के ओड़ेला गांव के पास बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली अनियंत्रित होकर पलट गई। ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से चालक नीचे दब गया। इस दौरान ट्रैक्टर ट्रॉली में भीषण आग लग गई। हादसे को देख स्थानीय ग्रामीणों ने दमकल को सूचना दी, लेकिन दमकल के पहुंचने से पूर्व ही ट्रैक्टर चालक जिंदा जल गया। हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। टोंक जिले के देवली के नेगड़िया गांव में बनास नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाकर देवली अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस ने बताया कि मृतक का नाम वसीम है और देवली का ही रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक मृतक युवक अपने साथियों के साथ नदी में नहाने गया था, इसी दौरान चप्पल पानी में बह गई जिसे लाने के लिए मृतक और उसका एक साथी पानी में कूदा और गहरे पानी में जाने के कारण वसीम डूब गया और उसकी मौत हो गई।
खबर जालौर की भीनमाल से, जहां पर समदड़ी भिलड़ी रेल मार्ग पर बाकरा रोड और कोदरान के बीच मालगाड़ी की चपेट में आने से भाई बहन की मौत हो गई, जिनकी शिनाख्त रिंकू और लाखाराम के रूप में हुई है। मृतक के पिता ने बताया कि रिंकू की मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी, जो ट्रेन की चपेट में आ गई, जिसे बचाने के चक्कर में चचेरे भाई की भी मौत हो गई। झालावाड़ जिले की गंगधार पुलिस ने दिन दहाड़े डकैती करने वाले चार आरोपियों को धर दबोचा। आपको बता दें कि 25 मई को महेंद्र सिंह सुवासरा को रावतपुरा गांव के पास कंजर समुदाय के करीब 8-10 से लोगों ने घेर कर 19,000 की नकदी समेत जेवरात और मोबाइल छीन लिए। ऐसे में फरियादी की रिपोर्ट पर गंगधार थाना पुलिस ने मामले में गंभीरता दिखाते हुए चार आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि अन्य की तलाश जारी है। गत दिनांक 25 तारीख को काटिया गांव थाना सुवासरा मध्य प्रदेश निवासी महेंद्र सिंह अपने दोस्तों के साथ पाड़लिया थाना गंगधार अपनी रिश्तेदारी में आ रहा था। राउतपुरा गांव के पास 10-11 लोग उसको मिले, जिसको वो नाम से शक्ल से पहचानता था, जिन्होंने उसको रोककर और उसके साथ मारपीट की और उसके मोबाइल और 19,000 रुपये और चांदी के जेवरात ये छीन कर चले गए थे। इस संबंध घोर 12 के छिपा भड़ोस से है, जहां पर पुलिस ने मोनू चोपदार की हत्या का खुलासा कर दिया है। मोनू की हत्या उसी के दोस्त ने की थी। पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है। मामले का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया कि मोनू चोपदार और गोलू भील दोनों दोस्त थे। कुछ दिन पहले दोनों ने शराब पार्टी की, इसके बाद झूठ बोलकर मोनू चोपदार गोलू के घर चला गया, जहाँ गोलू की पत्नी ने उसे डांट कर भेज दिया। कुछ दिन बाद इस बात का पता लगने पर गोलू भील ने मोनू चोपदार से मारपीट की, जिससे मोनू की मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी गोलू भील को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ की जा रही है। अब खबर भरतपुर के रुदावल से, जहां पर खेरिया गांव में एक युवक पर कुछ बदमाशों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया और मौके से फरार हो गए। युवक को बयाना CHC में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक इलाज के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वनिजी स्कूल के संचालक राम कुमार समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। खेड़िया मोड़ चौकी प्रभारी को जरिए टेलीफोन सूचना मिली कि CB ITI कॉलेज में भानु शर्मा पुत्र उत्तम सिंह जाति ब्राह्मण निवासी खेड़िया के साथ किसी के द्वारा घटना कर दी गई है और उसका गला और हाथ काट दिया गया है। सूचना पर पुलिस पहुंची। प्रथम दृष्टया पुलिस ने सर्वप्रथम उसके उपचार को महत्वपूर्ण मानते हुए उसको बयाना भेजा। बयाना से रेफर भरतपुर किया। भरतपुर में उसके पर्चा बयान लेखबद्ध किए जाकर मुकदमा पंजीबद्ध किया गया है। अनुसंधान जारी है और घटनाक्रम में जो भी लिप्त होंगे उनको शीघ्र। अलवर जिले की तिजारा थाना पुलिस ने अपहरण की गई विवाहिता समेत एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी जितेंद्र ने बताया कि 22 मई की रात को बहला फुसलाकर एक विवाहिता को 3 युवकों द्वारा बुलेरो गाड़ी में अपहरण करके ले जाने का मामला दर्ज हुआ था। विवाहित महिला के ससुर ने नामजद आरोपियों के खिलाफ 25 मई को मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस ने जाँच करते हुए हरियाणा के नुहू गाँव से विवाहिता को दस्तयाब किया। साथ ही एक आरोपी जुनेद खान को भी गिरफ्तार किया। वहीं 3 किलो चांदी समेत सोने के आभूषण बरामद किए। व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज करवाया था कि उसकी पुत्रवधू जो अपने गांव से एक दिन पहले ही आई थी और उसके घर से 3 लोगों को नामजद करते हुए उसके द्वारा रिपोर्ट दी गई है कि ये लोग उसको रात में अपहरण करके ले गए और साथ में करीब 3 किलो चांदी और 8-10 तोला सोने के जेवरात भी वो लोग ले गए। जिसके संबंध में मुकदमा दर्ज करके और विशेष टीम का गठन करके और त्वरित कार्रवाई करते हुए कल विवाहिता को दस्तयाब कर लिया नूह से और उसके पास से साथ में एक आरोपी मिला है जुनैद नाम से, जो करीब 3 किलो चांदी के आभूषण और 10 तोले सोने के आभूषण उनसे बरामद हुए हैं। अनुसंधान के दौरान यह भी तथ्य सामने आया है कि जो ये विवाहिता है ये नाबालिग है, तो प्रकरण में पॉक्सो की धाराएं ऐड करते हुए अनुसंधान अब मेरे द्वारा किया जा रहा है। आज इसमें आरोपी को न्यायालय में पेश किया गया है VC के द्वारा
और अभी इसमें बाकी मुलजिमों के लिए अनुसंधान कर रहे हैं। उन्होंने विवाहिता द्वारा अपने बयानों में आरोपियों द्वारा दुष्कर्म करना बताया है, जिसके बारे में अभी हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। आज पीड़िता का मेडिकल वगैरह करवा दिया है और आरोपी के जो गिरफ्तार शुदा है जुनैद, उस पर इसने आरोप लगाए, उसका भी मेडिकल। कोरोना के साथ शेखावटी में गर्मी भी कहर बनकर ढा रही है। नौतपा के चौथे दिन अधिकतम तापमान उछलकर 43.2 डिग्री पर पहुंच गया, जिसमें चली लू के थपेड़ों ने आमजन को बेहाल कर दिया। भट्टी की तरह तप रही सड़कों पर शुक्रवार को भी सन्नाटा नजर आया। तो चलिए गांव की दुनिया में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।